हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ एनालिसिस मींस हमने जो स्ट्रक्चर के वीडियोस में बताए थे कि स्ट्रक्चर को दो क्लास में दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला था डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर एंड दूसरा था इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे उस स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, हमारे पास कौन से मेथड हैं उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, मतलब डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करना है कि जो स्ट्रक्चर पे लोड लग रहे हैं उसके इफ़ेक्ट को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये चीज़ कहलाता है मेथड ऑफ एनालिसिस। और इस मेथड ऑफ एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला है एग्जैक्ट मेथड और दूसरा है अप्रॉक्सीमेट मेथड। एग्जैक्ट मेथड दूसरा है अप्रॉक्सीमेट मेथड, यही दो मेथड हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमें एनालिसिस करने के लिए। फर्दर एग्जैक्ट मेथड को दो अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला आता है फोर्स मेथड और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए, मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास दो मेथड है, एग्जैक्ट मेथड और अप्रॉक्सीमेट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं कि एग्जैक्ट मेथड में कौन से मेथड आते हैं या फिर फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या रिलेशन होते हैं, मतलब उसके अंतर्गत में कौन से मेथड को लिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से और पूछे भी गए हैं। तो पहला मेथड आता है हमारा एग्जैक्ट मेथड, जिसको दो भाग में बांटा गया है, ए फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन एंड कंप्लीटिबिलिटी मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम लोग स्टिफनेस मेथड के नाम से भी जानते हैं और इक्विलिब्रियम मेथड के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन से स्ट्रक्चर को किस मेथड से हमको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, इनडिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, छोटा सा मेथड है, जिसको हम लोग इनडिटरमिनेंसी कहा जाता है। मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि डिटरमिनेंसी होता क्या है और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल अब मैं अभी इतना बताता हूँ कि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कम है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी से, कोई हमारे पास पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा फ्रेम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एक तरफ से फिक्स से सपोर्टेड है और दूसरी तरफ में हिंज सपोर्टेड है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा कि आप एनालाइज कीजिए। तो किस मेथड से आप एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे डीएस, ओके, देन निकालेंगे हम डीके। तो डीएस और डीके में देख लेंगे क्या रिलेशन है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल है, देन उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमको कौन से मेथड को अप्लाई करना चाहिए, वो स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम मेथड का सिलेक्शन करेंगे किस मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको आगे आने वाले वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी अगर ये कम होता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी से, तो वो आता है हमारा फोर्स मेथड में। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएस लेस देन डीके हो तो उस आएगा फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर डीएस ग्रेटर हो जाए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी अगर ग्रेटर हो जाता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी से, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड से। ये सभी मेथड के बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का भी, मैं सब में डिटेल्स में बताऊँगा, ओके। तो फोर्स मेथड के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फोर्स मेथड में वर्चुअल वॉकडन मेथड आता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड आता है, कॉलम एनालॉजी मेथड आएंगे, यूनिट लोड मेथड होगा, क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम होगा, कास्टिग्लियानोस थ्योरम होंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगा। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो हमारे ये पूरी सीरीज में आने वाली है हमारी स्ट्रक्चर की। तो दूसरा हमारे पास मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड।
इस डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत में हमारे पास जो मेथड आते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड आता है, कानीज मेथड आता है जिसको मेथड ऑफ इंटरसेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी आते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी आते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी आते हैं एंड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी आते हैं। तो कौन से मेथड से हम लोग कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग अप्लाई करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होगा डिटरमिनेंट या फिर इनडिटरमिनेंट, वो हमारा कौन सा ये लाइक करेगा कि डी एस लेस देन डी के है या फिर डी एस ग्रेटर देन डी के है, देन उसके बाद हम ये नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमको कौन से मेथड को अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड, सभी मेथड के बारे में हम डिटेल्स में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। दूसरा मेथड था फ्रेंड्स हमारा कि अप्रॉक्सीमेट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड में तीन मेथड हमें पढ़ने को मिलते हैं। पहला था कैंटिलीवर मेथड, दूसरा है पोर्टल मेथड एंड तीसरा है फैक्टर मेथड। इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो ये भी बस इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें दोनों में डिफरेंसेज आते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में इनरोल है या फिर सेमेस्टर एग्जाम जिसको कहते हैं, उसमें कोई अगर स्टूडेंट आप में से पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड में देखिए फ्रेंड्स की अननोन रिएक्शन आर टेकन, रिडक्शंस फोर्स, रिडंडेंस फोर्स या फिर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है रिडंडेंस का। रिडंडेंस का मतलब यह है कि इनडिटर्मिनेट में एक्स्ट्रा मेंबर जो होते हैं, एक्स्ट्रा मेंबर आपको मैं समझाऊंगा जब मैं इनडिटर्मिनेंसी पढ़ाऊंगा, उसका एग्जांपल बताऊंगा, तो एक्स्ट्रा मेंबर बताऊंगा क्या होता है। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में जो एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं उनको रिडंडेंट्स कहा जाता है। ओके, तो उन रिडंडेंट को अननोन्स के फॉर्म में हमें फोर्स मेथड में हमें कैरी करना होता है। तो अननोन्स आर टेकन, रिडंडेंट फोर्स या फिर रिडंडेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मेथड में जबकि क्या होता है, अननोन्स आर टेकन डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग अननोन्स किसको लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को अननोन्स मानते हैं, जबकि फोर्स मेथड में हम लोग अननोन्स किसको मानते हैं, तो रिडंडेंट फोर्स या फिर रिडंडेंट रिएक्शंस को। फिर से फोर्स मेथड के अंतर्गत में टू फाइंड अननोन फोर्स और रिडंडेंस कंप्लीटिविटी इक्वेशन आर रिटेन। देखिए फोर्स मेथड में फ्रेंड्स रिडंडेंस को फाइंड करने के लिए, अननोन्स या फिर जिसको रिडंडेंस मैं बोल रहा हूँ उनको फाइंड करने के लिए हमें कंप्लीटिविटी कंडीशन को लिखना होगा, उनके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या होता है आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, टू फाइंड अननोन डिस्प्लेसमेंट ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आर रिटेन। ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग लिखते हैं तब जाके हमको अननोन इक्विलिब्रियम समय मिलते हैं, किस में, डिस्प्लेसमेंट मेथड में। फोर्थ मेथड में अगेन द नंबर ऑफ कंप्लीटिबिलिटी इक्वेशन नीडेड इज इक्वल टू डी एस। देखिए यहाँ पर डी एस के बराबर, डी एस यानी क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। मतलब ये कि फोर्स मेथड हो या डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, हमको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से मेथड में हमको अप्लाई करना है, तो उसका सिंपल सा उपाय यही है कि आपको इनडिटर्मिनेंसी के थ्रू या फिर स्टैटिक या फिर काइनेमेटिक, तो दोनों में से हम इसको फाइंड करेंगे। इसके फाइंड करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करके हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये थी हमारे आज के क्लास की मेथड ऑफ एनालिसिस, कि हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस कितने होते हैं जिनको हम लोग जिसके हेल्प से किसी मेंबर को एनालाइज किया जा सकता है एंड उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।